तो राम राम लाडलो, जय महादेव। ठीक है भाई, दूसरी चीज, भाई दूसरी क्या, पहली चीज, कल एक कमेंट करा था कि क्या लाडलो लाडलो लगा रखी है तूने, हम मीठे थोड़े हैं, तू मीठा होगा। तो भाई सुन मेरी बात, छोड़ो कुछ नहीं भाई, लाडले मेरे को पता है क्या होता है, अगर तुम्हें नहीं पता मैं बता देता। लाडलो का मतलब होता है यारे प्यारे, मतलब कि जो प्यारे होते हैं उनके लिए लाडलो लिखता हूँ, ठीक है। खैर जिसको जो समझना है समझो भाई। आज जो है मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अपनी जो बलिनो है उसे घुमाने के लिए बाहर लॉकडाउन में, तो दिखाऊंगा आपको जो भी सीन बनता है, ठीक है, तो पूरा देखिएगा। और मैं क्या निकाल लेता हूँ, बहुत सीरीज आ रही है ऐसी, तो भाई बिना टाइम वीडियो स्टार्ट कर। देखो आंधी तूफान अंदर आ रखा है बुरी तरह से यहाँ पे, और गाड़ी की हालत तो आपको दिख ही रही होगी कैसी कुछ हो रखी है। उसकी जो है बैटरी दे रखी है मैंने अभी अपनी, मतलब चार्ज होने, तो वो तो बाद का सीन है, अभी जो है इसको निकाल रहा हूँ मैं चलाने के लिए, तो चलाते हैं भाई। गंदी इतनी हो रखी है ना, मतलब थोड़ा सा भी साफ करो, और फिर इसकी तो आपको पता ही होगा, इस गाड़ी की फितरत ही है कि एक बार इसको चला लो तो थोड़ी सी भी तो गंदी हो जाएगी, है ना। तो चलते हैं भाई, ठीक है, पहले अर्ना को लेना, उसके बाद एक दो काम है वो करूंगा, तो पहले चलते हैं। तो भाई सबसे पहले जो है एक बार मैं, और उसके बाद पहले सीट बेल्ट भी पहन ली जाए भाई। और आज ना एक ऐसे करूंगा जिसकी आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई कितना कॉपी कर सकता है वो, और उसने मेरे को ब्लॉक भी कर रखा है फेसबुक से, मतलब इतनी वो है कि अपनी सच्चाई सुनने का दम नहीं है भाई, मैं बोलूंगा। मेरे को फेसबुक से ब्लॉक कर रखा है, और व्हाट्सएप से मैं देखा नहीं भाई, ऐसे कॉन्टेक्ट को हम देखते नहीं, कभी बात हुई थी। ओहो I-20 एक्सीडेंट देखो भाई, ओहो I-20 एक्सीडेंट देखो भाई, तो भाई सीन ये है कि अभी जो है अपा जा रहे हैं अर्णव के घर की तरफ, और यहां से ये है सेक्टर वाली रोड, थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो चलता हूं, ठीक है चलते। तो भाई ये आ गया मैं अर्णव के घर के आगे, और हॉर्न बजा दिया दो बार, अब देखता हूँ कितनी देर में आएगा, और आएगा अभी यानी फोन के बिना, फोन ही कर देता हूँ यार, आया। तो यहाँ पे मास्क पहनना जरूरी है भाई, अर्णव से एक चीज सीखो कि मास्क पहनना जरूरी है। हाउ आर यू फीलिंग सर? गुड ब्रो, हाउ व्हाट हैपेंड? अरे बाल कटा लिए? नहीं नहीं, नहाया हूँ अभी। तो भाई ये देखो लॉकडाउन तो सही चल रहा है एकदम, और यहाँ पे रोड भी एकदम साफ है अभी, और सबसे बड़ी बात है कि आसमान ऐसा नहीं देखा होगा आपने, है ना। अरे ना, ऐसा आसमान देखा है तुमने पहले? क्या देखने को मिल रहा है आसमान में? क्लीनलीनेस देखने को मिल रही है। तो भाई जो है अभी हम लोग जा रहे हैं काम से, तो काम तो नहीं बता सकता खैर किस काम से जा रहे हैं, पर जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो बेल्ट वेल्ट सब कुछ लगा लिया, और रास्ते में आएंगे पुलिस वाले। पर यहाँ पे सीन ये है कि आज संडे है, संडे के चक्कर में सारी दुकानें वगैरह बंद है, ठेके खुल रहे हैं, देखो बगल में ठेका खुला है ना, ठेके खुल रहे हैं पर दुकानें बंद है, तो ठेके पे तो नहीं जा रहे हम लोग, और चलते हैं। तो भाई देखो दो तीन गाड़ियां जो है चल रही है यहाँ पे मेरे आगे आगे, और ये जो रोड है हमारे यहाँ की, ये है जू है यहाँ पे बगल में बेसिकली, भिवानी में। अगर आप हो गए भिवानी के तो आपको पता होगा ये जू है, और दिखा दूं मैं आपको, देखो ऊपर वो लिखा हुआ जू है ना, वो जू है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जू है। वो भाई कैसे चला रहा था देखा ना, आधे बीच में लेके आ रहा था। और ये ओ भाई कैसे चला रहा था देखा ना, आधे बीच में ले गया। कैमरे में लगे हुए यहाँ पे अपनी, ये लघु सचिव वाले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो भिवानी का है ना, तो चलते हैं भाई आगे। ये है मेरा स्कूल हलवासिया विद्याविहार सीनियर सेकेंडरी एफिलेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, तो वो बताना जरूरी है। आज के रहे नहीं ऐसे स्कूल में इंग्लिश मीडियम होता है। तो भाई ये है अपना स्कूल, देख सकते हो पहले रेड होता था। तो भैया अब टाइम हो गया 2 घंटे बाद जो है धूप वूप पूरी निकल चुकी है बढ़िया से, एंड हम लोग कहाँ जा रहे हैं अर्णव? कहीं तो जा रहे हैं। हम लोग निकले हैं भाई कहीं पे, लेट्स सी।
वैसे गाड़ी चलाते चलाते एक चीज मैंने नोटिस करी है कि भाई बलिनों के बेशक कितने गंदे सस्पेंशन हो, पर ये जो छोटे मोटे झटके हैं इनमें से इतने ज्यादा नहीं पता चलती। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये देखो, और मेरे कैमरे में स्टेबिलाईजेशन नहीं है, आईफोन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा, दूसरे फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो भाई कि इतने ज्यादा झटके नहीं लग रहे हैं जो छोटे मोटे गड्ढे हैं उनमें। हाँ, बड़े गड्ढे की मैं नहीं कहता भाई, पर हाँ छोटे मोटे गड्ढों का जो रिस्पांस है काफी सही दिखा रही है गाड़ी, तो सही है। और देखो किलोमीटर्स दिखा दो आपको, कितने क्लॉक हो चुके हैं, 64,000 लगभग 65,000 किलोमीटर चल चुके हैं, 400 किलोमीटर 65,000 किलोमीटर हो जाएगी। तो भाई ठीक है, इतने दिन बाद भी अगर गाड़ी सही है तो काफी बढ़िया है। भाई अगर पहले हम लोग इस रोड पे आए थे, आपने नोटिस करा होगा ना, तो उस टाइम तो भीड़ बहुत थी, बट अब जो भीड़ है काफी ज्यादा कम होगी, दिख रहा होगा आपको। देखो मतलब ये हॉस्पिटल खुले हुए हैं सिर्फ, और यहाँ पे एक झटके में जाएगी गाड़ी, एंड देखा होगा आपने बिल्कुल भी पता नहीं चला, मतलब पता तो चला पर बिल्कुल वाली सीन नहीं थी, मतलब बहुत कम पता चला। तो अब जो है आगे की तरफ जाते हैं, रोहतक गेट से आगे जाना है हम लोगों को। हाँ तो लाडला, जैसे कि आपने देखा होगा कि अपन है अपनी निकाली थी बलिनो लॉकडाउन में घुमाई है, तो लोग बाग घूम रहे हैं। भाई मैं गया था काम से, तो मैं भी निकल रखा था बाहर, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो तो सिर्फ इतनी थी, ज्यादा लंबी नहीं करनी अपने को, क्योंकि नहीं करनी तो नहीं करनी। खैर भाई कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, ठीक है। कल मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।